126 पिलर हमारे गायब हुए हैं, उनको कोई जमीन ने नहीं खाया है, कोई आसमान ने नहीं निगला है। आपके एसएसबी के जवान रातों रात घुसकर वो पिलर उखाड़ देते हैं, और जो रात को जो जो नेपाल था जो जमीन, वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानक, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। और हमारे बॉर्डर, आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग ये चाहते हैं, इंक्लूड मी, हम सब नेपाली ये चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो बायलेटरल रिलेशनशिप है, ये मजबूती से रहे, इसमें ऐसी दरार ना आए। लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी तो सहने की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है, और जब वो लिमिटेशन टूटेगा तो इस दोस्ती में दरार आ सकती है। अभी ये दोस्ती मजबूती से चल रही है, आपकी फिल्में चलती है हमारे यहाँ, हमने कभी उसका बायकॉट नहीं किया है, आपके सीरियल्स चलते हैं हमारे यहाँ, आपके लोग आकर यहाँ बिजनेस करते हैं, हमारे लोग जाकर वहां काम करते हैं। तो इस दोस्ती को पब्लिक लेवल पर बरकरार रखना है, और अगर बरकरार रखना है तो इंडियन गवर्नमेंट को अपनी हरकतों से बाज आना होगा। उसे यह समझना होगा कि हर देश को, हर देश के हर नागरिक को अपनी संप्रभुता उतनी ही प्यारी होती है जितनी आपको होगी। और आप अपनी बहू बेटी को बहू बेटी, अपनी मां को मां, और दूसरों की औरतों को इज्जत ना देना, इसी तरह है जो आप अपनी जमीन को इतना मोहब्बत देते हैं और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े। मैं सारे नेपालियों की तरफ से यही कामना करता हूं। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ। हेलो इंडिया, मैं रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से, चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे, सारे इंडियंस तक पहुंचे, क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में ये जो विवाद आ रहा है ये क्या है और क्यों है। आदरणीय संपूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला, किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईँले र मैले गफ गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो, यो भारतका जन जनसम्म पुग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दैछु। प्यारे हिन्दुस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे अपनी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, नेपाली से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूं तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं शेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाब दे सकूं। आज नेपाल और इंडिया के इस विवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि ये विवाद क्यों है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लेवल रिलेशन है, इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं बॉर्डर के इशू पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक आरोप का जवाब देना चाहता हूं, एक इल्जाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। 100% गलत, नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है। अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खून नहीं बहा। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए, कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में, मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवांग तक अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं, और जिसने आपके सरहदों की हिफाजत की है मर मर कर, आपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दी। आप लोगों ने दशहरे के रोज नेपाल में नाकाबंदी कर दी, हर रोजमर्रा के चीजों की किल्लत हो गई, दवाइयों तक की किल्लत हो गई, और हमारे कितने ही मरीजों ने अस्पताल में छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आपके नेता ये कहते रहे कि हम मधेश और मधेशियों के पक्ष में ये कर रहे हैं, नेपाल का संविधान मधेशियों के हित में नहीं है, तो वो हमारा अंदरूनी मामला था ना। आज मधेशी और पहाड़ी सब एक हैं, हम सब एक होकर विरोध कर रहे हैं इंडियन इस कॉलोनाइजेशन मेंटालिटी का। आज हम सब एक हैं। आप लोगों ने कहा कि हम मधेशियों के मामले में नेपाल को जवाबदारी बना रहे हैं, ऐसी बात है। अगर मधेशियों की तरफ आप लोगों का इतना ही रुझान है, आपके नेता कहते हैं कि मधेशी लोग हमारे भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है,
ये सब है तो गोरखालैंड का आंदोलन जब आप लोगों के देश में चल रहा था तो हमें भी तो बोलना चाहिए था। वो गोरखा भी तो हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिश्ता है। लेकिन नेपाल के किसी लीडर ने गोरखालैंड के बारे में बोला नहीं? नो, नेवर, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। ऐसा समझकर आपके देश में जब गोरखालैंड का आंदोलन हो रहा था, अभी भी जब ये एनआरसी चल रहा है आपके मुल्क में, तो कितने नेपालियों के सिटीजनशिप रिजेक्ट होंगे, लेकिन हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं? बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन आपने हमारे अंदरूनी मामले पर दखलंदाजी की। कोई भी नेता नेपाल का, कोई भी लीडर आप लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकाबंदी का जवाब दिया। और जब जेडीयू ने, जब पवन कुमार वर्मा ने ये बात लोकसभा में उठाई, तो आप लोगों को नाकाबंदी हटाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था, वो आंदोलनकारियों ने किया था। बकवास! जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके एवज में हमें दशहरे के रोज हमें इतनी तकलीफ सहना पड़ा। तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, खासकर ये आज तक जैसे मीडिया, अगर मेरा बस चलता तो नेपाल में बैंड कर देता मैं इन कमबख्तों को। ये कहते हैं कि नेपाल टेररिस्ट का अड्डा बन रहा है, आईएसआई के संरक्षण में यहां मदरसे चल रहे हैं। तो कहां से आए वो टेररिस्ट? जो जबीबुद्दीन अंसारी 26/11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठकर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया? ही वॉज बाय बर्थ इंडियन, आप लोगों के बीच का था वो। जितने भी टेररिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से निकलते हैं, आपके आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और आप लोगों को अगर इतनी ही तकलीफ है नेपाल से, इतनी ही तकलीफ है, आपकी सिक्योरिटी को इतनी दिक्कत है, तो बंद कर दो ना बॉर्डर, लगा दो ना बॉर्डर पे तार, किसने रोका है आप लोगों को? लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा। बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए नेपाल में। जितने भी टेररिस्ट नेपाल में आए हैं या आए होंगे, वो कहां से आए? आसमान से उड़ के थोड़ी आए, वो आप लोगों के वहां से आए, इस पार आए। तो इसमें हमारा क्या दोष? अब मैं बॉर्डर के इशू पर आता हूं। जो काला पानी का अभी इशू चल रहा है ना, वो काला पानी में कोई विवाद है ही नहीं, उधर कोई डिस्प्यूशन है ही नहीं, वो हमारी सरहद है जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। आज से नहीं, 60-65 साल पहले से कब्जा कर रखा है, और आपकी मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने आपको धोखे में रखा है। वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्शा दिखा रहे हैं, वो नक्शा नहीं दिखा रहे हैं जो एंग्लो गोरखा वार के बाद, ब्रिटिश और नेपाल के बाद सन 1827 में, सन 1856 में और सन 1905 में जो नक्शे बने थे, वो नक्शे आपको कोई नहीं दिखा रहा, ना आपका मीडिया दिखा रहा है, ना आपका गवर्नमेंट दिखा रहा है। तो वो जमीन आपकी है, वो जमीन हमारी है, हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और ये सिर्फ काला पानी का इशू नहीं है, ये 71 जगहों का इशू है, ये 71 जगहों का इशू है। और सियाचिन, आपका सियाचिन जहां पर घास भी नहीं उगता, वहां पर आपके 3000 सैनिक शहीद हुए हैं, आप लोग लड़े हैं वहां पर 4000 फीट ऊपर जाके, जहां पर घास भी नहीं उगता। तो आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए, हमारी धरती वैसी है ना, आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए सुस्ता वैसा है, आपका लिपुलेख जैसा है हमारे लिए लद्दाख वैसा है, आपका कश्मीर जैसा है हमारे लिए हमारा काला पानी वैसा है ना। आपका देश प्रेम, देश प्रेम, और हमारा देश प्रेम क्या? हमारी देश प्रेम की, हमारे देशभक्ति की कोई विषाद नहीं, कोई औकात नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम छोटे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान की तरह आप लोगों से लड़ नहीं सकते, हमारी कोई मजबूत फोर्स नहीं है, सिर्फ इसलिए? आप लोगों ने तो कॉलोनाइजेशन सहा है मित्रों। कॉलोनाइजेशन के जमाने ब्रिटिश लोग कितना जुल्म करते थे आप लोगों के पर, ब्लैक डॉग बोल बोल के लात और कोड़ों की वर्षा करते थे वो आप लोगों पर। आपके बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं होती थी, मैंने पढ़ा है वो इतिहास, जब बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, आप लोगों के भगत सिंह जैसे नेता, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा करते थे, नारे लगाते थे। इतना कॉलोनाइजेशन सहने के बावजूद भी आप लोगों को यह एहसास क्यों नहीं होता कि जब कोई ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है तो यहां दर्द होता है, यहां से ज्वाला उठती है? लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो आप लोग बहुत गलत सोचते हैं। गोरखा है हम, गोरखा लड़ना हमारी खून में है, बुजदिल नहीं है हम। और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है। चाहे आपका मुल्क बड़ा हो,
चाहे हमारा मुल्क छोटा हो, लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में हमारा लेवल एक है, इसलिए आप लोगों को काला पानी से हटना ही होगा। और नेपाल के बारे में जो ये प्रोपोगंडा फैला रखा है इंडिया की मीडिया ने, इसकी मैं नेपाल की पब्लिक की तरफ से इसकी मैं घोर भत्सना करता हूं, निंदा करता हूं। एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो आपके एक नेता ने यह बोल दिया कि चौकीदार तो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं, सिर्फ चौकीदार की तरह देखते हैं आप हमें। कितना बड़ा रिश्ता है हमारा, कितना पुराना, कितना हिस्टोरिकल रिलेशन है हमारा। आपके लोग भी तो हमारे यहां आके लोहा शीशी उठाते हैं, कबाड़ उठाते हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। हम इज्जत देते हैं आप लोगों को पड़ोसी बोल के, तो इज्जत देंगे तो क्या सर पे बैठ के नाचेंगे क्या? तो आप लोगों ने और आपकी गवर्नमेंट ने, इसमें इंडियन सिटीजन का कोई दोष नहीं है, इंडिया की अवाम की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने यह पूरा प्रोपोगंडा फैला रखा है और आप लोगों को धोखा दे रखा है। 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं, सिर्फ ये काला पानी का इश्यू नहीं है, 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं। उनको कोई जमीन ने नहीं खाया है, कोई आसमान ने नहीं निगला है। आपके एसएसबी के जवान रातों रात घुसकर वो पिलर उखाड़ देते हैं, और जो रात को जो नेपाल था जो जमीन, वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानक, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। और हमारे बॉर्डर, आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग ये चाहते हैं, इंक्लूड मी, हम सब नेपाली ये चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो बायलेटरल रिलेशनशिप है, ये मजबूती से रहे, इसमें ऐसी दरार ना आए। लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी तो सहने की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है, और जब वो लिमिटेशन टूटेगा तो इस दोस्ती में दरार आ सकती है। अभी ये दोस्ती मजबूती से चल रही है, आपकी फिल्में चलती है हमारे यहां, हमने कभी उसका बायकॉट नहीं किया है, आपके सीरियल्स चलते हैं हमारे यहां, आपके लोग आकर यहां बिजनेस करते हैं, हमारे लोग जाकर वहां काम करते हैं। तो इस दोस्ती को पब्लिक लेवल पर बरकरार रखना है, और अगर बरकरार रखना है तो इंडियन गवर्नमेंट को अपनी हरकतों से बाज आना होगा। उसे यह समझना होगा कि हर देश को, हर देश के हर नागरिक को अपनी संप्रभुता उतनी ही प्यारी होती है जितनी आपको होगी। और आप अपनी बहू बेटी को बहू बेटी, अपनी मां को मां, और दूसरों की औरतों को इज्जत ना देना इसी तरह है जो आप अपनी जमीन को इतना मोहब्बत देते हैं और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े। मैं सारे नेपालियों की तरफ से यही कामना करता हूं। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ। हेलो इंडिया, मैं रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से, चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे, सारे इंडियंस तक पहुंचे, क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में यह जो विवाद आ रहा है यह क्या है और क्यों है। आदरणीय संपूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला, किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईँले र मैले गफ गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो, यो भारतका जन जनसम्म पुग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दैछु। प्यारे हिन्दुस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे अपनी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, नेपाली से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूं तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं शेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाब दे सकूं। आज नेपाल और इंडिया के इस विवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि यह विवाद क्यों है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लेवल रिलेशन है, इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं बॉर्डर के इश्यू पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक आरोप का जवाब देना चाहता हूं, एक इल्जाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है। 100% गलत, नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है। अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खून नहीं बहा। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए, कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवांग तक,
अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं, और जिसने आपके सरहदों की हिफाजत की है मर मर कर, आपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दी। आप लोगों ने दशहरे के रोज नेपाल में नाकाबंदी कर दी, हर रोजमर्रा के चीजों की किल्लत हो गई, दवाइयों तक की किल्लत हो गई, और हमारे कितने ही मरीजों ने अस्पताल में छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आपके नेता ये कहते रहे कि हम मधेस और मधेसियों के पक्ष में ये कर रहे हैं, नेपाल का संविधान मधेसियों के हित में नहीं है। तो वो हमारा अंदरूनी मामला था ना, आज मधेसी और पहाड़ी सब एक हैं, हम सब एक होकर विरोध कर रहे हैं इंडियन इस कॉलोनाइजेशन मेंटालिटी का, आज हम सब एक हैं। आप लोगों ने कहा कि हम मधेसियों के मामले में नेपाल को जवाबदारी बना रहे हैं, ऐसी बात है। अगर मधेसियों की तरफ आप लोगों का इतना ही रुझान है, आपके नेता कहते हैं कि मधेसी लोग हमारे भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ये सब है, तो गोरखालैंड का आंदोलन जब आप लोगों के देश में चल रहा था तो हमें भी तो बोलना चाहिए था, वो गोरखा भी तो हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिश्ता है। लेकिन नेपाल के किसी लीडर ने गोरखालैंड के बारे में बोला नहीं, नो नेवर, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। ऐसा समझकर आपके देश में जब गोरखालैंड का आंदोलन हो रहा था, अभी भी जब ये एनआरसी चल रहा है आपके मुल्क में, तो कितने नेपालियों के सिटीजनशिप रिजेक्ट होंगे, लेकिन हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं। बोला क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन आपने हमारे अंदरूनी मामले पर दखलंदाजी की। कोई भी नेता नेपाल का, कोई भी लीडर आप लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकाबंदी का जवाब दिया, और जब जेडीयू ने, जब पवन कुमार वर्मा ने यह बात लोकसभा में उठाई, तो आप लोगों को नाकाबंदी हटाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा यह कहती है कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था, वो आंदोलनकारियों ने किया था। बकवास, जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके एवज में हमें दशहरे के रोज हमें इतनी तकलीफ सहना पड़ा। तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, खासकर ये आज तक जैसे मीडिया, अगर मेरा बस चलता तो नेपाल में बैंड कर देता मैं इन कमबख्तों को। ये कहते हैं कि नेपाल टेररिस्ट का अड्डा बन रहा है, आईएसआई के संरक्षण में यहां मदरसे चल रहे हैं। तो कहां से आए वो टेररिस्ट? जो जबीबुद्दीन अंसारी 26/11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठकर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया? ही वॉज बाई बर्थ इंडियन, आप लोगों के बीच का था वो। जितने भी टेररिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से निकलते हैं, आपके आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और आप लोगों को अगर इतनी ही तकलीफ है नेपाल से, इतनी ही तकलीफ है, आपकी सिक्योरिटी को इतनी दिक्कत है, तो बंद कर दो ना बॉर्डर, लगा दो ना बॉर्डर पे तार, किसने रोका है आप लोगों को? लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा, बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए नेपाल में। जितने भी टेररिस्ट नेपाल में आए हैं या आए होंगे, वो कहां से आए? आसमान से उड़ के थोड़ी आए, वो आप लोगों के वहां से आए, इस पार आए। तो इसमें हमारा क्या दोष? अब मैं बॉर्डर के इशू पर आता हूं। जो काला पानी का अभी इशू चल रहा है ना, वो काला पानी में कोई विवाद है ही नहीं, उधर कोई डिस्प्यूशन है ही नहीं, वो हमारी सरहद है जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, आज से नहीं 60-65 साल पहले से कब्जा कर रखा है। और आपकी मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने आपको धोखे में रखा है, वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्शा दिखा रहे हैं, वो नक्शा नहीं दिखा रहे हैं जो एंग्लो गोरखा वार के बाद, ब्रिटिश और नेपाल के बाद सन 1827 में, सन 1856 में और सन 1905 में जो नक्शे बने थे, वो नक्शे आपको कोई नहीं दिखा रहा, ना आपका मीडिया दिखा रहा है, ना आपका गवर्नमेंट दिखा रहा है। तो वो जमीन आपकी है, वो जमीन हमारी है, हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और यह सिर्फ काला पानी का इशू नहीं है, ये 71 जगहों का इशू है, ये 71 जगहों का इशू है। और सियाचिन, आपका सियाचिन जहां पर घास भी नहीं उगता, वहां पर आपके 3000 सैनिक शहीद हुए हैं, आप लोग लड़े हैं वहां पर 4000 फीट ऊपर जाके, जहां पर घास भी नहीं उगता। तो आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए, हमारी धरती वैसी है ना, आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए सुस्ता वैसा है, आपका लिपुलेख जैसा है हमारे लिए लद्दाख वैसा है, आपका कश्मीर जैसा है हमारे लिए हमारा काला पानी वैसा है ना। आपका देश प्रेम, देश प्रेम, और हमारा देश प्रेम क्या?
हमारी देश प्रेम की, हमारे देशभक्ति की कोई विषाद नहीं, कोई औकात नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम छोटे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान की तरह आप लोगों से लड़ नहीं सकते, हमारी कोई मजबूत फोर्स नहीं है, सिर्फ इसलिए? आप लोगों ने तो कॉलोनाइजेशन सहा है मित्रों। कॉलोनाइजेशन के जमाने ब्रिटिश लोग कितना जुल्म करते थे आप लोगों के पर, ब्लैक डॉग बोल बोल के लात और कोड़ों की वर्षा करते थे वो आप लोगों पर। आपके बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं होती थी, मैंने पढ़ा है वो इतिहास, जब बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, आप लोगों के भगत सिंह जैसे नेता जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा करते थे, नारे लगाते थे, इतना कॉलोनाइजेशन सहने के बावजूद भी आप लोगों को यह एहसास क्यों नहीं होता कि जब कोई ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है तो यहां दर्द होता है, यहां से ज्वाला उठती है, लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे? ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो आप लोग बहुत गलत सोचते हैं। गोरखा है हम, गोरखा लड़ना हमारी खून में है, बुजदिल नहीं है हम, और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है, चाहे आपका मुल्क बड़ा हो चाहे हमारा मुल्क छोटा हो, लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में हमारा लेवल एक है, इसलिए आप लोगों को काला पानी से हटना ही होगा। और नेपाल के बारे में जो ये प्रोपोगंडा फैला रखा है इंडिया की मीडिया ने, इसकी मैं नेपाल की पब्लिक की तरफ से इसकी मैं घोर भत्सना करता हूं, निंदा करता हूं। एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो आपके एक नेता ने यह बोल दिया कि चौकीदार तो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं, सिर्फ चौकीदार की तरह देखते हैं आप हमें, कितना बड़ा रिश्ता है हमारा, कितना पुराना, कितना हिस्टोरिकल रिलेशन है हमारा, आपके लोग भी तो हमारे यहां आके लोहा शीशी उठाते हैं, कबाड़ उठाते हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, हम इज्जत देते हैं आप लोगों को पड़ोसी बोल के, तो इज्जत देंगे तो क्या सर पे बैठ के नाचेंगे क्या? तो आप लोगों ने और आपकी गवर्नमेंट ने, इसमें इंडियन सिटीजन का कोई दोष नहीं है, इंडिया की अवाम की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने यह पूरा प्रोपोगंडा फैला रखा है और आप लोगों को धोखा दे रखा है। 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं, सिर्फ ये काला पानी का इश्यू नहीं है, 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं, उनको कोई जमीन ने नहीं खाया है, कोई आसमान ने नहीं निगला है, आपके एसएसबी के जवान रातों रात घुसकर वो पिलर उखाड़ देते हैं, और जो रात को जो नेपाल था जो जमीन, वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानक, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, और हमारे बॉर्डर आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग ये चाहते हैं, इंक्लूड मी, हम सब नेपाली ये चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो बायलेटरल रिलेशनशिप है, ये मजबूती से रहे, इसमें ऐसी दरार ना आए, लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी तो सहने की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है, और जब वो लिमिटेशन टूटेगा तो इस दोस्ती में दरार आ सकती है। अभी ये दोस्ती मजबूती से चल रही है, आपकी फिल्में चलती है हमारे यहां, हमने कभी उसका बायकॉट नहीं किया है, आपके सीरियल्स चलते हैं हमारे यहां, आपके लोग आकर यहां बिजनेस करते हैं, हमारे लोग जाकर वहां काम करते हैं, तो इस दोस्ती को पब्लिक लेवल पर बरकरार रखना है, और अगर बरकरार रखना है तो इंडियन गवर्नमेंट को अपनी हरकतों से बाज आना होगा, उसे यह समझना होगा कि हर देश को, हर देश के हर नागरिक को अपनी संप्रभुता उतनी ही प्यारी होती है जितनी आपको होगी, और आप अपनी बहू बेटी को बहू बेटी, अपनी मां को मां, और दूसरों की औरतों को इज्जत ना देना इसी तरह है जो आप अपनी जमीन को इतना मोहब्बत देते हैं और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े। मैं सारे नेपालियों की तरफ से यही कामना करता हूं। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ। हेलो इंडिया, मैं रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से, चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे, सारे इंडियंस तक पहुंचे, क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में यह जो विवाद आ रहा है ये क्या है और क्यों है। आदरणीय संपूर्ण राष्ट्रभक्त नेपाली अरुमा, म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला, किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईँले र मैले गफ गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो, यो भारतका जन जनसम्म पुग्न जरुरी छ, त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दैछु। प्यारे हिन्दुस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे अपनी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, नेपाली से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूं तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे।
इंग्लिश ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं शेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाब दे सकूं। आज नेपाल और इंडिया के इस विवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि ये विवाद क्यों है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लेवल रिलेशन है, इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं बॉर्डर के इश्यू पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक आरोप का जवाब देना चाहता हूं, एक इल्जाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। 100% गलत, नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है। अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खून नहीं बहा। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए, कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में, मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवान तक। अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं, और जिसने आपके सरहदों की हिफाजत की है मर मर कर, आपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दी। आप लोगों ने दशहरे के रोज नेपाल में नाकाबंदी कर दी, हर रोजमर्रा के चीजों की किल्लत हो गई, दवाइयों तक की किल्लत हो गई, और हमारे कितने ही मरीजों ने अस्पताल में छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आपके नेता ये कहते रहे कि हम मधेश और मधेशियों के पक्ष में ये कर रहे हैं, नेपाल का संविधान मधेशियों के हित में नहीं है, तो वो हमारा अंदरूनी मामला था ना। आज मधेशी और पहाड़ी सब एक हैं, हम सब एक होकर विरोध कर रहे हैं इंडियन इस कॉलोनाइजेशन मेंटालिटी का। आज हम सब एक हैं। आप लोगों ने कहा कि हम मधेशियों के मामले में नेपाल को जवाबदारी बना रहे हैं, ऐसी बात है। अगर मधेशियों की तरफ आप लोगों का इतना ही रुझान है, आपके नेता कहते हैं कि मधेशी लोग हमारे भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ये सब है, तो गोरखालैंड का आंदोलन जब आप लोगों के देश में चल रहा था तो हमें भी तो बोलना चाहिए था, वो गोरखा भी तो हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिश्ता है। लेकिन नेपाल के किसी लीडर ने गोरखालैंड के बारे में बोला नहीं, नो, नेवर, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। ऐसा समझकर आपके देश में जब गोरखालैंड का आंदोलन हो रहा था, अभी भी जब ये एनआरसी चल रहा है आपके मुल्क में, तो कितने नेपालियों के सिटीजनशिप रिजेक्ट होंगे, लेकिन हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं। बोला क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन आपने हमारे अंदरूनी मामले पर दखलंदाजी की। कोई भी नेता नेपाल का, कोई भी लीडर आप लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकाबंदी का जवाब दिया। और जब जेडीयू ने, जब पवन कुमार वर्मा ने यह बात लोकसभा में उठाई, तो आप लोगों को नाकाबंदी हटाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा यह कहती है कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था, वो आंदोलनकारियों ने किया था। बकवास! जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके एवज में हमें दशहरे के रोज हमें इतनी तकलीफ सहना पड़ा। तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, खासकर ये आज तक जैसे मीडिया, अगर मेरा बस चलता तो नेपाल में बैंड कर देता मैं इन कमबख्तों को। ये कहते हैं कि नेपाल टेररिस्ट का अड्डा बन रहा है, आईएसआई के संरक्षण में यहां मदरसे चल रहे हैं। तो कहां से आए वो टेररिस्ट? जो जबीबुद्दीन अंसारी 26/11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठकर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया? ही वॉज बाय बर्थ इंडियन, आप लोगों के बीच का था वो। जितने भी टेररिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से निकलते हैं, आपके आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और आप लोगों को अगर इतनी ही तकलीफ है नेपाल से, इतनी ही तकलीफ है, आपकी सिक्योरिटी को इतनी दिक्कत है, तो बंद कर दो ना बॉर्डर, लगा दो ना बॉर्डर पे तार, किसने रोका है आप लोगों को? लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा। बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए नेपाल में। जितने भी टेररिस्ट नेपाल में आए हैं या आए होंगे, वो कहां से आए? आसमान से उड़ के थोड़ी आए, वो आप लोगों के वहां से आए, इस पार आए, तो इसमें हमारा क्या दोष? अब मैं बॉर्डर के इशू पर आता हूं। जो काला पानी का अभी इशू चल रहा है ना, वो काला पानी में कोई विवाद है ही नहीं, उधर कोई डिस्प्यूशन है ही नहीं, वो हमारी सरहद है जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। आज से नहीं,
60-65 साल पहले से कब्जा कर रखा है, और आपकी मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने आपको धोखे में रखा है। वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्शा दिखा रहे हैं, वो नक्शा नहीं दिखा रहे हैं जो एंग्लो गोरखा वार के बाद, ब्रिटिश और नेपाल के बाद सन 1827 में, सन 1856 में और सन 1905 में जो नक्शे बने थे, वो नक्शे आपको कोई नहीं दिखा रहा, ना आपका मीडिया दिखा रहा है, ना आपका गवर्नमेंट दिखा रहा है। तो वो जमीन आपकी है, वो जमीन हमारी है, हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और ये सिर्फ काला पानी का इशू नहीं है, ये 71 जगहों का इशू है, ये 71 जगहों का इशू है। और सियाचिन, आपका सियाचिन जहां पर घास भी नहीं उगता, वहां पर आपके 3000 सैनिक शहीद हुए हैं, आप लोग लड़े हैं वहां पर 4000 फीट ऊपर जाके, जहां पर घास भी नहीं उगता। तो आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए, हमारी धरती वैसी है ना, आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए सुस्ता वैसा है, आपका लिपुलेख जैसा है हमारे लिए लद्दाख वैसा है, आपका कश्मीर जैसा है हमारे लिए हमारा काला पानी वैसा है ना। आपका देश प्रेम, देश प्रेम, और हमारा देश प्रेम क्या, हमारी देश प्रेम की, हमारे देशभक्ति की कोई विषाद नहीं, कोई औकात नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम छोटे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान की तरह आप लोगों से लड़ नहीं सकते, हमारी कोई मजबूत फोर्स नहीं है, सिर्फ इसलिए। आप लोगों ने तो कोलोनाइजेशन सहा है मित्रों, कोलोनाइजेशन के जमाने ब्रिटिश लोग कितना जुल्म करते थे आप लोगों के पर, ब्लैक डॉग बोल बोल के लात और कोड़ों की वर्षा करते थे वो आप लोगों पर, आपकी बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं होती थी। मैंने पढ़ा है वो इतिहास, जब बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, आप लोगों के भगत सिंह जैसे नेता, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा करते थे, नारे लगाते थे, इतना कोलोनाइजेशन सहने के बावजूद भी आप लोगों को यह एहसास क्यों नहीं होता कि जब कोई ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है तो यहां दर्द होता है, यहां से ज्वाला उठती है, लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो आप लोग बहुत गलत सोचते हैं। गोरखा है हम, गोरखा लड़ना हमारी खून में है, बुजदिल नहीं है हम, और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है, चाहे आपका मुल्क बड़ा हो चाहे हमारा मुल्क छोटा हो, लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में हमारा लेवल एक है, इसलिए आप लोगों को काला पानी से हटना ही होगा। और नेपाल के बारे में जो ये प्रोपोगंडा फैला रखा है इंडिया की मीडिया ने, इसकी मैं नेपाल की पब्लिक की तरफ से इसकी मैं घोर भत्सना करता हूं, निंदा करता हूं। एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो आपके एक नेता ने यह बोल दिया कि चौकीदार तो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं, सिर्फ चौकीदार की तरह देखते हैं आप हमें, कितना बड़ा रिश्ता है हमारा, कितना पुराना, कितना हिस्टोरिकल रिलेशन है हमारा, आपके लोग भी तो हमारे यहां आके लोहा शीशी उठाते हैं, कवाड़ उठाते हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, हम इज्जत देते हैं आप लोगों को पड़ोसी बोल के, तो इज्जत देंगे तो क्या सर पे बैठ के नाचेंगे क्या? तो आप लोगों ने, और आपकी गवर्नमेंट ने, इसमें इंडियन सिटीजन का कोई दोष नहीं है, इंडिया की अवाम की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने ये पूरा प्रोपोगंडा फैला रखा है और आप लोगों को धोखा दे रखा है। 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं, सिर्फ ये काला पानी का इशू नहीं है, 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं, उनको कोई जमीन ने नहीं खाया है, कोई आसमान ने नहीं निगला है, आपके एसएसबी के जवान रातों रात घुसकर वो पिलर उखाड़ देते हैं, और जो रात को जो नेपाल था जो जमीन, वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानक, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, और हमारे बॉर्डर, आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग ये चाहते हैं, इंक्लूड मी, हम सब नेपाली ये चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो बायलेटरल रिलेशनशिप है, ये मजबूती से रहे, इसमें ऐसी दरार ना आए, लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी तो सहने की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है, और जब वो लिमिटेशन टूटेगा तो इस दोस्ती में दरार आ सकती है। अभी ये दोस्ती मजबूती से चल रही है, आपकी फिल्में चलती है हमारे यहां, हमने कभी उसका बायकॉट नहीं किया है, आपके सीरियल्स चलते हैं हमारे यहां, आपके लोग आकर यहां बिजनेस करते हैं, हमारे लोग जाकर वहां काम करते हैं, तो इस दोस्ती को पब्लिक लेवल पर बरकरार रखना है, और अगर बरकरार रखना है तो इंडियन गवर्नमेंट को अपनी हरकतों से बाज आना होगा, उसे यह समझना होगा कि हर देश को, हर देश के हर नागरिक को अपनी संप्रभुता उतनी ही प्यारी होती है जितनी आपको होगी, और आप अपनी बहू बेटी को बहू बेटी, अपनी मां को मां, और दूसरों की औरतों को इज्जत ना देना, इसी तरह है जो आप अपनी जमीन को इतना मोहब्बत देते हैं और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद
ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े। मैं सारे नेपालियों की तरफ से यही कामना करता हूं। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ। हेलो इंडिया, मैं रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से, चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे, सारे इंडियंस तक पहुंचे, क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में ये जो विवाद आ रहा है ये क्या है और क्यों है। आदरणीय संपूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला, किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईँले र मैले गफ गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो, यो भारतका जन जनसम्म पुग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दैछु। प्यारे हिन्दुस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे अपनी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, नेपाली से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूं तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं शेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाब दे सकूं। आज नेपाल और इंडिया के इस विवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि ये विवाद क्यों है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लेवल रिलेशन है, इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं बॉर्डर के इश्यू पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक आरोप का जवाब देना चाहता हूं, एक इल्जाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। 100% गलत, नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है। अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खून नहीं बहा। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए, कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में, मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवान तक अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं, और जिसने आपके सरहदों की हिफाजत की है मर मर कर, आपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दी। आप लोगों ने दशहरे के रोज नेपाल में नाकाबंदी कर दी, हर रोजमर्रा के चीजों की किल्लत हो गई, दवाइयों तक की किल्लत हो गई, और हमारे कितने ही मरीजों ने अस्पताल में छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आपके नेता ये कहते रहे कि हम मधेश और मधेशियों के पक्ष में ये कर रहे हैं, नेपाल का संविधान मधेशियों के हित में नहीं है। तो वो हमारा अंदरूनी मामला था ना। आज मधेशी और पहाड़ी सब एक हैं, हम सब एक होकर विरोध कर रहे हैं इंडियन इस कॉलोनाइजेशन मेंटालिटी का। आज हम सब एक हैं। आप लोगों ने कहा कि हम मधेशियों के मामले में नेपाल को जवाबदारी बना रहे हैं, ऐसी बात है। अगर मधेशियों की तरफ आप लोगों का इतना ही रुझान है, आपके नेता कहते हैं कि मधेशी लोग हमारे भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ये सब है, तो गोरखालैंड का आंदोलन जब आप लोगों के देश में चल रहा था तो हमें भी तो बोलना चाहिए था। वो गोरखा भी तो हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिश्ता है। लेकिन नेपाल के किसी लीडर ने गोरखालैंड के बारे में बोला नहीं, नो, नेवर, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। ऐसा समझकर आपके देश में जब गोरखालैंड का आंदोलन हो रहा था, अभी भी जब ये एनआरसी चल रहा है आपके मुल्क में, तो कितने नेपालियों के सिटीजनशिप रिजेक्ट होंगे, लेकिन हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं। बोला क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन आपने हमारे अंदरूनी मामले पर दखलंदाजी की। कोई भी नेता नेपाल का, कोई भी लीडर आप लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकाबंदी का जवाब दिया। और जब जेडीयू ने, जब पवन कुमार वर्मा ने यह बात लोकसभा में उठाई, तो आप लोगों को नाकाबंदी हटाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा यह कहती है कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था, वो आंदोलनकारियों ने किया था। बकवास! जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके एवज में हमें दशहरे के रोज हमें इतनी तकलीफ सहना पड़ा। तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, खासकर ये आज तक जैसे मीडिया, अगर मेरा बस चलता तो नेपाल में बैंड कर देता मैं इन कमबख्तों को। ये कहते हैं कि नेपाल टेररिस्ट का अड्डा बन रहा है, आईएसआई के संरक्षण में यहां मदरसे चल रहे हैं, तो कहां से आए वो टेररिस्ट?
जो जबीबुद्दीन अंसारी 26/11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठकर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया? ही वॉज बाई बर्थ इंडियन, आप लोगों के बीच का था वो। जितने भी टेररिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से निकलते हैं, आपके आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और आप लोगों को अगर इतनी ही तकलीफ है नेपाल से, इतनी ही तकलीफ है, आपकी सिक्योरिटी को इतनी दिक्कत है, तो बंद कर दो ना बॉर्डर, लगा दो ना बॉर्डर पे तार, किसने रोका है आप लोगों को? लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा, बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए नेपाल में। जितने भी टेररिस्ट नेपाल में आए हैं या आए होंगे, वो कहां से आए? आसमान से उड़ के थोड़ी आए, वो आप लोगों के वहां से आए, इस पार आए, तो इसमें हमारा क्या दोष? अब मैं बॉर्डर के इशू पर आता हूं। जो काला पानी का अभी इशू चल रहा है ना, वो काला पानी में कोई विवाद है ही नहीं, उधर कोई डिस्प्यूशन है ही नहीं, वो हमारी सरहद है जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, आज से नहीं 60-65 साल पहले से कब्जा कर रखा है। और आपकी मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने आपको धोखे में रखा है, वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्शा दिखा रहे हैं, वो नक्शा नहीं दिखा रहे हैं जो एंग्लो गोरखा वार के बाद, ब्रिटिश और नेपाल के बाद सन 1827 में, सन 1856 में और सन 1905 में जो नक्शे बने थे, वो नक्शे आपको कोई नहीं दिखा रहा, ना आपका मीडिया दिखा रहा है, ना आपका गवर्नमेंट दिखा रहा है। तो वो जमीन आपकी है, वो जमीन हमारी है, हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और ये सिर्फ काला पानी का इशू नहीं है, ये 71 जगहों का इशू है, ये 71 जगहों का इशू है। और सियाचिन, आपका सियाचिन जहां पर घास भी नहीं उगता, वहां पर आपके 3000 सैनिक शहीद हुए हैं, आप लोग लड़े हैं वहां पर 4000 फीट ऊपर जाके, जहां पर घास भी नहीं उगता। तो आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए, हमारी धरती वैसी है ना, आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए सुस्ता वैसा है, आपका लिपुलेख जैसा है हमारे लिए लद्दाख वैसा है, आपका कश्मीर जैसा है हमारे लिए हमारा काला पानी वैसा है ना। आपका देश प्रेम, देश प्रेम, और हमारा देश प्रेम क्या? हमारी देश प्रेम की, हमारे देशभक्ति की कोई विषाद नहीं, कोई औकात नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम छोटे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान की तरह आप लोगों से लड़ नहीं सकते, हमारी कोई मजबूत फोर्स नहीं है, सिर्फ इसलिए? आप लोगों ने तो कोलोनाइजेशन सहा है मित्रों, कोलोनाइजेशन के जमाने ब्रिटिश लोग कितना जुल्म करते थे आप लोगों को, ब्लैक डॉग बोल बोल के लात और कोड़ों की वर्षा करते थे वो आप लोगों पर, आपके बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं होती थी। मैंने पढ़ा है वो इतिहास, जब बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, आप लोगों के भगत सिंह जैसे नेता, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा करते थे, नारे लगाते थे, इतना कोलोनाइजेशन सहने के बावजूद भी आप लोगों को यह एहसास क्यों नहीं होता कि जब कोई ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है तो यहां दर्द होता है, यहां से ज्वाला उठती है? लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो आप लोग बहुत गलत सोचते हैं। गोरखा है हम, गोरखा लड़ना हमारी खून में है, बुजदिल नहीं है हम। और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है, चाहे आपका मुल्क बड़ा हो चाहे हमारा मुल्क छोटा हो, लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में हमारा लेवल एक है, इसलिए आप लोगों को काला पानी से हटना ही होगा। और नेपाल के बारे में जो ये प्रोपोगंडा फैला रखा है इंडिया की मीडिया ने, इसकी मैं नेपाल की पब्लिक की तरफ से इसकी मैं घोर भत्सना करता हूं, निंदा करता हूं। एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो आपके एक नेता ने यह बोल दिया कि चौकीदार तो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं, सिर्फ चौकीदार की तरह देखते हैं आप हमें, कितना बड़ा रिश्ता है हमारा, कितना पुराना, कितना हिस्टोरिकल रिलेशन है हमारा, आपके लोग भी तो हमारे यहां आके लोहा शीशी उठाते हैं, कबाड़ उठाते हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, हम इज्जत देते हैं आप लोगों को पड़ोसी बोल के। तो इज्जत देंगे तो क्या सर पे बैठ के नाचेंगे क्या? तो आप लोगों ने, और आपकी गवर्नमेंट ने, इसमें इंडियन सिटीजन का कोई दोष नहीं है, इंडिया की अवाम की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने यह पूरा प्रोपोगंडा फैला रखा है और आप लोगों को धोखा दे रखा है। 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं, सिर्फ ये काला पानी का इश्यू नहीं है, 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं, उनको कोई जमीन ने नहीं खाया है, कोई आसमान ने नहीं निगला है, आपके एसएसबी के जवान रातों रात घुसकर वो पिलर उखाड़ देते हैं, और जो रात को जो जो नेपाल था जो जमीन, वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानक, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, और हमारे बॉर्डर, आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग ये चाहते हैं, इंक्लूड मी,
हम सब नेपाली ये चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो बायलेटरल रिलेशनशिप है, ये मजबूती से रहे, इसमें ऐसी दरार ना आए। लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी तो सहने की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है, और जब वो लिमिटेशन टूटेगा तो इस दोस्ती में दरार आ सकती है। अभी ये दोस्ती मजबूती से चल रही है, आपकी फिल्में चलती है हमारे यहाँ, हमने कभी उसका बायकॉट नहीं किया है, आपके सीरियल्स चलते हैं हमारे यहाँ, आपके लोग आकर यहाँ बिजनेस करते हैं, हमारे लोग जाकर वहां काम करते हैं। तो इस दोस्ती को पब्लिक लेवल पर बरकरार रखना है, और अगर बरकरार रखना है तो इंडियन गवर्नमेंट को अपनी हरकतों से बाज आना होगा। उसे यह समझना होगा कि हर देश को, हर देश के हर नागरिक को अपनी संप्रभुता उतनी ही प्यारी होती है जितनी आप आपको होगी। और आप अपनी बहू बेटी को बहू बेटी, अपनी मां को मां, और दूसरों की औरतों को इज्जत ना देना इसी तरह है जो आप अपनी जमीन को इतना मोहब्बत देते हैं और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े। मैं सारे नेपालियों की तरफ से यही कामना करता हूं। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ। हेलो इंडिया, मैं रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से, चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे, सारे इंडियंस तक पहुंचे, क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में यह जो विवाद आ रहा है ये क्या है और क्यों है। आदरणीय संपूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला, किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईँले र मैले गफ गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो, यो भारतका जन जनसम्म पुग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दैछु। प्यारे हिन्दुस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे अपनी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, नेपाली से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूं तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं शेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाब दे सकूं। आज नेपाल और इंडिया के इस विवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि यह विवाद क्यों है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लेवल रिलेशन है, इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं बॉर्डर के इशू पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक आरोप का जवाब देना चाहता हूं, एक इल्जाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। 100% गलत, नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है। अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खून नहीं बहा। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए, कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में, मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवान तक। अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं, और जिसने आपके सरहदों की हिफाजत की है मर मर कर, आपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दी। आप लोगों ने दशहरे के रोज नेपाल में नाकाबंदी कर दी, हर रोजमर्रा के चीजों की किल्लत हो गई, दवाइयों तक की किल्लत हो गई, और हमारे कितने ही मरीजों ने अस्पताल में छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आपके नेता ये कहते रहे कि हम मधेश और मधेशियों के पक्ष में ये कर रहे हैं, नेपाल का संविधान मधेशियों के हित में नहीं है। तो वो हमारा अंदरूनी मामला था ना, आज मधेशी और पहाड़ी सब एक हैं, हम सब एक होकर विरोध कर रहे हैं इंडियन इस कॉलोनाइजेशन मेंटालिटी का, आज हम सब एक हैं। आप लोगों ने कहा कि हम मधेशियों के मामले में नेपाल को जवाबदारी बना रहे हैं, ऐसी बात है। अगर मधेशियों की तरफ आप लोगों का इतना ही रुझान है, आपके नेता कहते हैं कि मधेशी लोग हमारे भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ये सब है, तो गोरखालैंड का आंदोलन जब आप लोगों के देश में चल रहा था तो हमें भी तो बोलना चाहिए था, वो गोरखा भी तो हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिश्ता है। लेकिन नेपाल के किसी लीडर ने गोरखालैंड के बारे में बोला नहीं, नो नेवर, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। ऐसा समझकर आपके देश में जब गोरखालैंड का आंदोलन हो रहा था, अभी भी जब ये एनआरसी चल रहा है आपके मुल्क में, तो कितने नेपालियों के सिटीजनशिप रिजेक्ट होंगे, लेकिन हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं बोला,
क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन आपने हमारे अंदरूनी मामले पर दखलंदाजी की। कोई भी नेता, नेपाल का कोई भी लीडर आप लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकाबंदी का जवाब दिया। और जब जेडीयू ने, जब पवन कुमार वर्मा ने यह बात लोकसभा में उठाई, तो आप लोगों को नाकाबंदी हटाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा यह कहती है कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था, वो आंदोलनकारियों ने किया था। बकवास! जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके एवज में हमें दशहरे के रोज हमें इतनी तकलीफ सहना पड़ा। तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, खासकर ये आज तक जैसे मीडिया, अगर मेरा बस चलता तो नेपाल में बैंड कर देता मैं इन कमबख्तों को। ये कहते हैं कि नेपाल टेररिस्ट का अड्डा बन रहा है, आईएसआई के संरक्षण में यहां मदरसे चल रहे हैं। तो कहां से आए वो टेररिस्ट? जो जबीबुद्दीन अंसारी 26/11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठकर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया? ही वॉज बाय बर्थ इंडियन, आप लोगों के बीच का था वो। जितने भी टेररिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से निकलते हैं। आपके आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और आप लोगों को अगर इतनी ही तकलीफ है नेपाल से, इतनी ही तकलीफ है, आपकी सिक्योरिटी को इतनी दिक्कत है, तो बंद कर दो ना बॉर्डर, लगा दो ना बॉर्डर पे तार, किसने रोका है आप लोगों को? लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा। बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए नेपाल में। जितने भी टेररिस्ट नेपाल में आए हैं या आए होंगे, वो कहां से आए? आसमान से उड़ के थोड़ी आए, वो आप लोगों के वहां से आए, इस पार आए। तो इसमें हमारा क्या दोष? अब मैं बॉर्डर के इशू पर आता हूं। जो काला पानी का अभी इशू चल रहा है ना, वो काला पानी में कोई विवाद है ही नहीं, उधर कोई डिस्प्यूशन है ही नहीं, वो हमारी सरहद है जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। आज से नहीं, 60-65 साल पहले से कब्जा कर रखा है, और आपकी मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने आपको धोखे में रखा है। वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्शा दिखा रहे हैं, वो नक्शा नहीं दिखा रहे हैं जो एंग्लो गोरखा वार के बाद, ब्रिटिश और नेपाल के बाद सन 1827 में, सन 1856 में और सन 1905 में जो नक्शे बने थे, वो नक्शे आपको कोई नहीं दिखा रहा, ना आपका मीडिया दिखा रहा है, ना आपका गवर्नमेंट दिखा रहा है। तो वो जमीन आपकी है, वो जमीन हमारी है, हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और ये सिर्फ काला पानी का इशू नहीं है, ये 71 जगहों का इशू है, ये 71 जगहों का इशू है। और सियाचिन, आपका सियाचिन, जहां पर घास भी नहीं उगता, वहां पर आपके 3000 सैनिक शहीद हुए हैं। आप लोग लड़े हैं वहां पर 4000 फीट ऊपर जाके, जहां पर घास भी नहीं उगता। तो आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए, हमारी धरती वैसी है ना, आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए सुस्ता वैसा है, आपका लिपुलेख जैसा है हमारे लिए लद्दाख वैसा है, आपका कश्मीर जैसा है हमारे लिए हमारा काला पानी वैसा है ना। आपका देश प्रेम, देश प्रेम, और हमारा देश प्रेम क्या? हमारी देश प्रेम की, हमारे देशभक्ति की कोई विषाद नहीं, कोई औकात नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम छोटे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान की तरह आप लोगों से लड़ नहीं सकते, हमारी कोई मजबूत फोर्स नहीं है, सिर्फ इसलिए? आप लोगों ने तो कोलोनाइजेशन सहा है मित्रों। कोलोनाइजेशन के जमाने ब्रिटिश लोग कितना जुल्म करते थे आप लोगों के पर, ब्लैक डॉग बोल बोल के लात और कोड़ों की वर्षा करते थे वो आप लोगों पर। आपकी बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं होती थी, मैंने पढ़ा है वो इतिहास, जब बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, आप लोगों के भगत सिंह जैसे नेता, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा करते थे, नारे लगाते थे। इतना कोलोनाइजेशन सहने के बावजूद भी आप लोगों को यह एहसास क्यों नहीं होता कि जब कोई ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है तो यहां दर्द होता है, यहां से ज्वाला उठती है। लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो आप लोग बहुत गलत सोचते हैं। गोरखा है हम, गोरखा लड़ना हमारी खून में है, बुजदिल नहीं है हम। और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है। चाहे आपका मुल्क बड़ा हो, चाहे हमारा मुल्क छोटा हो, लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में हमारा लेवल एक है, इसलिए आप लोगों को काला पानी से हटना ही होगा। और नेपाल के बारे में जो ये प्रोपोगंडा फैला रखा है इंडिया की मीडिया ने, इसकी मैं नेपाल की पब्लिक की तरफ से इसकी मैं घोर भत्सना करता हूं, निंदा करता हूं। एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो आपके एक नेता ने यह बोल दिया कि चौकीदार तो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं, सिर्फ चौकीदार की तरह देखते हैं आप हमें।
कितना बड़ा रिश्ता है हमारा, कितना पुराना, कितना हिस्टोरिकल रिलेशन है हमारा। आपके लोग भी तो हमारे यहां आके लोहा शीशी उठाते हैं, कवाड़ उठाते हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। हम इज्जत देते हैं आप लोगों को पड़ोसी बोल के, तो इज्जत देंगे तो क्या सर पे बैठ के नाचेंगे क्या? तो आप लोगों ने, अगर आपकी गवर्नमेंट ने, इसमें इंडियन सिटीजन का कोई दोष नहीं है, इंडिया की अवाम की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने यह पूरा प्रोपोगंडा फैला रखा है और आप लोगों को धोखा दे रखा है। 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं, सिर्फ ये काला पानी का इश्यू नहीं है, 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं। उनको कोई जमीन ने नहीं खाया है, कोई आसमान ने नहीं निगला है। आपके एसएसबी के जवान रातों रात घुसकर वो पिलर उखाड़ देते हैं, और जो रात को जो नेपाल था जो जमीन, वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानक, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, और हमारे बॉर्डर, आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग ये चाहते हैं, इंक्लूड मी, हम सब नेपाली ये चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो बायलेटरल रिलेशनशिप है, ये मजबूती से रहे, इसमें ऐसी दरार ना आए। लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी तो सहने की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है, और जब वो लिमिटेशन टूटेगा तो इस दोस्ती में दरार आ सकती है। अभी ये दोस्ती मजबूती से चल रही है, आपकी फिल्में चलती है हमारे यहां, हमने कभी उसका बायकॉट नहीं किया है, आपके सीरियल्स चलते हैं हमारे यहां, आपके लोग आकर यहां बिजनेस करते हैं, हमारे लोग जाकर वहां काम करते हैं। तो इस दोस्ती को पब्लिक लेवल पर बरकरार रखना है, और अगर बरकरार रखना है तो इंडियन गवर्नमेंट को अपनी हरकतों से बाज आना होगा। उसे यह समझना होगा कि हर देश को, हर देश के हर नागरिक को अपनी संप्रभुता उतनी ही प्यारी होती है जितनी आपको होगी। और आप अपनी बहू बेटी को बहू बेटी, अपनी मां को मां, और दूसरों की औरतों को इज्जत ना देना इसी तरह है जो आप अपनी जमीन को इतना मोहब्बत देते हैं और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े। मैं सारे नेपालियों की तरफ से यही कामना करता हूं। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ। हेलो इंडिया, मैं रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से, चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे, सारे इंडियंस तक पहुंचे, क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में ये जो विवाद आ रहा है ये क्या है और क्यों है। आदरणीय संपूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला, किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईँले र मैले गफ गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो, यो भारतका जन जनसम्म पुग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दैछु। प्यारे हिन्दुस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे अपनी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, नेपाली से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूं तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं शेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाब दे सकूं। आज नेपाल और इंडिया के इस विवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि ये विवाद क्यों है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लेवल रिलेशन है, इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं बॉर्डर के इश्यू पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक आरोप का जवाब देना चाहता हूं, एक इल्जाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। 100% गलत, नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है। अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खून नहीं बहा। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए, कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में, मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवांग तक अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं, और जिसने आपके सरहदों की हिफाजत की है मर मर कर, आपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दी।
आप लोगों ने दशहरे के रोज नेपाल में नाकाबंदी कर दी, हर रोजमर्रा के चीजों की किल्लत हो गई, दवाइयों तक की किल्लत हो गई और हमारे कितने ही मरीजों ने अस्पताल में छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आपके नेता ये कहते रहे कि हम मधेश और मधेशियों के पक्ष में ये कर रहे हैं, नेपाल का संविधान मधेशियों के हित में नहीं है। तो वो हमारा अंदरूनी मामला था ना, आज मधेशी और पहाड़ी सब एक हैं, हम सब एक होकर विरोध कर रहे हैं।